भाईचारा, आधुनिकता, सुरक्षा और अच्छे संस्कार। मेरे प्यारे स्टॉक होल्डर्स, ये हैं हमारे जेल के चार पिलर। ये क्या, ये तो मशीन गन है। मुझे जेलर साहब को अभी जाके बचाना होगा। देने के लिए शुक्रिया। अगर आप हमारा ये स्वर्ग जैसा जेल देखना आप। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा सर। इस कुत्ते को बाहर निकालो यार। ऐसा करने से मैं मूवी में आऊंगी। कैमरा एंड एक्शन। मेरे प्यारे स्टॉक होल्डर्स, अभी अभी आपने हमारी सुरक्षा व्यवस्था का एक नमूना देखा। इनकट, अच्छा शॉट था सर। जेलर साहब, मुझे मेरी मूवी के लीड रोल के लिए एक अच्छा कैदी चाहिए होगा। कौन कर सकेगा सर, बताइए ना प्लीज। दोस्तों, ये हैं इस दुनिया के सबसे मशहूर मूवी डायरेक्टर मिस्टर पोपट पांडे। हटो, मुझे भी देखने दो। ये हमारे जेल को लेकर एक मूवी बनाने वाले हैं और ये सब हमारे सीनियर कैदी हैं। चंदू चमनचोर, खजूर खटाला, गेंडा कुमार, उसका भाई ज्यादा गेंडा कुमार और जो डाल्टन, सबसे गुड लुकिंग और हैंडसम। वाओ, मिल गया, मुझे पिक्चर का हीरो मिल गया। परफेक्ट नाक, परफेक्ट छोटी मूंछ, तू मेरी पिक्चर में लीड रोल करेगा। और अब हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, जैसे कि पत्थर तोड़ने के बारे में आपको जानकारी देंगे मिस्टर जो डाल्टन। क्या, मेरी लाइन क्या थी? जल्दी बोलना, कैमरा चालू है। हेलो, मैं हूँ एवरिल। देखो मैंने क्या बनाया है। लंबो चंद, निकलो यहाँ से। इस मूवी का हीरो मैं हूँ। निकलो, मैं हूँ एक स्टार, कोई शक। वाओ, ओके, अगला सीन करते हैं हम। हमारी जेल का खाना बड़े से बड़े फाइव स्टार होटल के खाने से भी अच्छा है। मुझे मेरी कॉपी करो। इस खाने में संस्कार है। इस खाने में संस्कार है। अरे भाई, आज डेजर्ट में क्या है? ये टिंगुचन का बॉडी डबल तो बहुत ही अच्छा है। वाओ, आगे के सीन इसी के साथ करता हूँ मैं। कैदियों के कमरे किसी होटल के कमरों से कम नहीं। पानी पीने के बाद बॉटल भर के वापस फ्रिज में रखना, यही हमारे अच्छे संस्कार हैं। बाकी के संस्कार कल। आपके संस्कार नहीं होते तो हमारा क्या होता? अरे क्या होता, क्या होता? कट कट, फैंटास्टिक शॉट था। वाओ, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। आओ मेरे गले लग जाओ, बहुत पसंद आया। वाओ। इस कुत्ते को यहाँ से बाहर निकालो। अरे जो, तुम्हारी एक्टिंग देखने के बाद डायरेक्टर को पता चला कि हीरो के लिए मैं ही परफेक्ट हूँ। ये तो बहुत ही हवा में उड़ रहा है। एक्टर बनानी है और एटीट्यूड तो देखो। आ रहा है, आ रहा है। एक मस्त वाला आइडिया आ गया। हम शूटिंग करते करते भाग जाएंगे। लेकिन मैं अपने फैंस को क्या बोलूंगा? वाओ, क्या बात है जो, क्या सीन है। तुम एक थर्ड क्लास एक्टर हो लेकिन एक फर्स्ट क्लास के टैलेंटेड राइटर हो। हम ये सीन जरूर करेंगे, ये सीन छा जाएगा। ये हमारी मूवी का क्लाइमैक्स होगा, द डाल्टन्स एस्केप। लेकिन फिर वापस अरेस्ट भी हो जाने चाहिए। आपको नहीं लगता दाल में कुछ असंस्कारी है? मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। द डाल्टन्स एस्केप, टेक वन। क्या बात है, अपने आजू बाजू देखो, कोई देख तो नहीं रहा। ऐसे ही गड्ढा खोदो, ठीक है। अब एक एक करके अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ, क्या बात है। अरे मैं भाग रहा हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती। ओए, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, चल। अरे गुड बाय। वाओ, शॉट मिल गया। कट कट, ये पिक्चर थिएटर में आग लगा देगी, आग। चलो जल्दी बाहर चलते हैं, गड्ढे के उस पार का सीन करते हैं। ओए बेवकूफ, रुको। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। थोड़ा दिमाग लगाओ, हम असली स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करेंगे। अब जेल के अंदर कोई नहीं होगा, तो जब सब बाहर है और अंदर कोई नहीं तो हमें भागने से कोई नहीं रोक सकता। ये आई कहानी में ट्विस्ट। ऐसा करने के बाद मैं अपने फैंस को क्या मुंह दिखाऊंगा? तू मूवी का हीरो नहीं मेरा भाई, रियल लाइफ हीरो बनेगा।
ओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमें भगा ले जाने के लिए घोड़े भी तैयार खड़े हैं। वाओ। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। क्या बात है डाल्टन, क्या एक्टिंग की है तुमने। थैंक यू मेरे फैंस। ये मूवी सुपर डुपर ट्रिपल हिट होगी। अरे जो, तुम्हारी स्क्रिप्ट वाकई अच्छी थी, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। मेरा साथ क्यों? वाओ, तुम्हारे अंदर का एक्टर धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। वो कैमरा रोल तो है ना। मिस्टर पोपट पांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इसमें से कभी गोली नहीं निकलेगी। मेरे साथ ही क्यों? ऐसा मेरे साथ ही क्यों?